नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। प्रथम जन्मोत्सव पर हुए भव्य कार्यक्रम, कानपुर गंगा बैराज छोटा मंगलपुर स्थित मां भगवती इच्छा पूर्ति मंदिर का प्रथम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से 17 व 18 जुलाई को मनाया गया। मंदिर संस्थापक राम नरेश ने बताया कि द्वितीय दिवस सर्वप्रथम मां का भव्य श्रृंगार हुआ, तत्पश्चात पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सह कोषाध्यक्ष भरत मिश्र ने बताया कि द्विदिवसीय जन्मोत्सव के दूसरे दिन कई महंतगणों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, जिनमें मुख्य रूप से अयोध्या धाम दशरथ पीठ के महंत ब्रजमोहन दास जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। महंत जी ने माँ का दर्शन कर व मेवा मिश्री से बने केक काट कर माँ के प्रथम जन्मोत्सव की बधाई दी। मुख्य रूप से मंदिर संस्थापक राम नरेश, कोषाध्यक्ष मंजू देवी, सह कोषाध्यक्ष भरत मिश्र व्यास व चौरसिया सुनील गोयल, अभिषेक, अमित तिवारी आदि मौजूद रहे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणपति ध्वज, मंगलम भगवान छह मंगल। आज हम शीतल भक्त स्थल राम नरेश जी के द्वारा निर्मित मंदिर इच्छा पूर्ति मंदिर गए हुए हैं, जो गंगा बराज से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। इसके बाद दर्शनार्थ आए हैं, ये वार्षिक आयोजन है। हम तो एक गंगा माँ की सारी सेवा पूरी करें, यह सोचित हो ध्यान हो ज्ञान हो गुण हो सत्सर संपन्न हो, और जो भी भक्त यहाँ पर आ रहा है निश्चित मानिए वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जा रहा है, क्योंकि राम नरेश निस्वार्थ काम कर रहा है। इसलिए कहेंगे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना है। राम नरेश ये तो विविध दाना है चान चोट है, वहाँ से शास्त्री का छोड़ के जंगल में आए, जंगल में मंगल कर दिया इन्होंने, यहाँ क्षेत्र मान लीजिए राम में शिव में ध्यान में ज्ञान में हो गया। इसके लिए राम नरेश जी को हम पूरा बधाई देंगे, ऐसे ही उचित अच्छे कार्य करते रहे, माँ का आशीर्वाद को मिलता रही हमारी मंगल कामना। मंगलपुर की जनता ये कहेंगे जो इस मंदिर में राम नरेश जी का सहयोग करे और इस मंदिर के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता से आह्वान करें मंदिर में पूजा पाठ करें और इसके धर्म का प्रचार भी करें, कि धर्म का प्रचार होगा तभी लोग आएंगे। अपने नाते रिश्तेदारों के बारे में बताएं, इस मंदिर की प्रतिष्ठा के बारे में बताएं और सबको जन्मदास को लाएं, उस मंदिर को महामंदिर के रूप में परिवर्तित करें। ये जनता का अनुरोध है हमारा।